मुमरा के चार नंबर रेती बंदर खाड़ी में आज सुबह सुबह ही एक डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें कि खाड़ी के पास दो युवक मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तभी खाड़ी किनारे दोनों युवकों ने एक डेड बॉडी देखी और इसकी सूचना मुमरा पुलिस को दे दी। मौके पर मुमरा पुलिस भी पहुंच गई, मगर डेड बॉडी खाड़ी के किनारे दलदल में फंसी हुई थी। पुलिस ने बताया कि दमकल विभाग को भी सूचना दी गई थी, मगर दमकल विभाग को पहुंचने में देरी लगी और डेड बॉडी कैसे निकाला जाए, क्योंकि तब तक दमकल कर्मचारी और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम नहीं पहुंची थी, जिसके बाद अब्दुल्ला मामू ने खुद कीचड़ में उतरकर डेड बॉडी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। डेड बॉडी करीब 3 से 4 दिन की हो चुकी थी और कीचड़ पूरे बदन में लगा हुआ था। हालांकि डेड बॉडी बाहर निकालने के कुछ ही देर बाद आपत्ति व्यवस्थापन की टीम और दमकल कर्मचारी भी पहुंच गए। जो डेड बॉडी आज सुबह सुबह रेती बंदर खाड़ी से बरामद की गई है, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। डेड बॉडी को मुमरा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इसी तरह से रेती बंदर खाड़ी में अब तक कई अज्ञात शव मिल चुके हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसी तरह से आज सुबह सुबह ही एक व्यक्ति की खाड़ी में डेड बॉडी और मिली। आपको बता दें कि इसी खाड़ी में नहाने गए दो बच्चे 18 अक्टूबर से ही लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।